भीम रेजिमेंट संगठन के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर बलौदाबाजार जिले के अंबेडकर चौक से कलेक्टर कार्यालय तक सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश रैली एवं पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। यह कार्यक्रम किशोर नवरंगे जय नवरंगे के नेतृत्व में रखा गया, जिसमें प्रदेश महासचिव उमेश सोनवानी कार्यक्रम में पहुँचे थे। भीम रेजिमेंट संगठन के द्वारा सिमगा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत अड़बंधा में सतामी समाज के आरक्षित शमशान भूमि को अड़बंधा के सरपंच द्वारा बिना सामाजिक अनुमति के खुदाई करवा कर सतनामी समाज के पूर्वजों की अस्थियों को छत विछत कर दिया गया है, जिसकी शिकायत सिमगा थाना प्रभारी सहित पुलिस अधीक्षक को दिया गया था, लेकिन थाना प्रभारी नरेश चौहान ने सरपंच के खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया, जिसको लेकर आज भीम रेजिमेंट ने जन आक्रोश रैली निकाल कर आरोपी सरपंच और सिमगा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सरपंच और सिमगा थाना प्रभारी के ऊपर उचित कार्रवाई करने की भी मांग किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की भी कोशिश किया गया, लेकिन भीम रेजिमेंट और पुलिस के बीच झूमा झटकी हुई। वही भीम रेजिमेंट कार्यकर्ता ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। भीम रेजिमेंट आज जन आंदोलन इसलिए कर रहा है क्योंकि सिमगा क्षेत्र के ग्राम अड़बंध है, जहां पर सतनामी समाज के जो मृत्यु धाम जो होते हैं, उस मुक्ति धाम, उसको जो है बिना परमिशन के, शासन प्रशासन के बिना परमिशन के वहाँ के सरपंच के द्वारा बर्बरता पूर्वक तोड़ दिया गया है और वहाँ पर कुछ निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत हम लोग जो है सिमगा थाना में किए थे, लेकिन वहाँ के जो TI हैं चौहान जी, उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया और चौहान जी कार्रवाई नहीं किया, उसके लिए हमने बलौदा बाजार के पुलिस अधीक्षक को भी कंप्लेन किया था कि चौहान जी ने कार्रवाई नहीं किया ऐसा करके। फिर भी ऐसा कुछ भी उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिसके संबंध में आज भीम रेजिमेंट के द्वारा बलौदा बाजार जिला बलौदा बाजार के द्वारा यहां पर अंबेडकर चौक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करके ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है। और साथ में हम लोगों का 10 सूत्री मांग है, जो प्रदेश स्तरीय जो है, जैसे कि भूपेश बघेल सरकार ने जो वादे किए थे, उन्होंने अभी तक एक भी वादा ऐसा पूरा नहीं किया गया, चाहे वो नरवा गरवा घुरवा बारी हो, चाहे वो 14,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो दारू भट्टी बंद करने का हो, और बहुत से, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, और ये जो भूपेश बघेल की जो सरकार है वो वादा तो किया था, लेकिन अब वक्त आते 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 भूपेश बघेल सरकार जो ठगेश बघेल सरकार बन चुका है, और उसके विरोध में हम लोग जो है आज यहाँ पर रैली कर रहे हैं।